हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की हमारी सुबह ना शिमला में हो रही है और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे वहाँ पे ना गर्मी हो चुकी है। सो गाइज, आज हम कहाँ जाएंगे वो जानने के लिए तो आपको व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। और अभी मैं आपको क्यूट क्यूट बंदर से मिलवाती हूँ। वैसे तो आपने बहुत सारे बंदर देखे होंगे लेकिन इतने क्यूट बंदर नहीं देखे होंगे। कल से इन दोनों का बस यही चल रहा है, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। क्या हो गया? चप्पल दे दो, दे दो नैनो। ओके गाइस, सो नाउ आई एम रेडी। और ये मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ये मैंने कहाँ से ली है वो आपको मेरी शॉर्ट वीडियो में पता चलेगा। और गाइस, मुझे ध्यान है ना कि 4-4.5 साल हो गए हमारी शादी को और शादी के बाद मैंने व्हाइट आज वियर किया है, मतलब व्हाइट कलर के। मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉप होते थे पहले, शादी से पहले मुझे काफ़ी पसंद था व्हाइट पहनना, लेकिन शादी के बाद मैंने नहीं पहना है। घर वाले भी थोड़ा मना करते थे, बाकी मुझे खुद को भी मतलब ठीक नहीं लगता था, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो आज मैंने ये वियर किया है। काफ़ी टाइम बाद मेरा मन किया व्हाइट पहनने का क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा, तो फिर मैंने लिया था। सो उसके बाद गाइज हम निकल गए सीधा अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और वो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा कि पहले हम कहाँ गए थे। नैनवी के छोटे चाचू चाची साथ जा रहे हैं और नैनवी को ना बाहर रहना ही पसंद है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डांट सुन चुकी हूँ। फिर हमें दिख गए क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज और नैनवी के पापा ने बोला जो पसंद आता है वो उठा कर ले आओ, बट मैंने ना लेने नहीं दिया क्योंकि घर पर इतने ढेर लगे हुए हैं कि रखने के लिए जगह नहीं बची है टॉयज से। बट ये क्यूट होते हैं तो हमेशा मन करता है कि नए ही ले हमेशा। और फिर पहुँच गए हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है मोहन शक्ति पार्क या मोहन हेरिटेज। तो गाइज फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे जा रहे हैं, मैं, नैनवी, नैनवी के पापा, चाचू चाची, सभी हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं शिमला में लेकिन इस जगह पे नहीं गए थे और ये शायद सोलन में पड़ता है। तो चलिए अभी अंदर चलकर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले तो ये शेर बना हुआ है और अंदर जाकर आप देखोगे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और मंदिर के बाहर, मतलब मंदिर जाने से पहले, आपको ये पार्क दिखेगा जहाँ पे हर एक एनिमल के स्टैचू बने हुए हैं, मतलब सारे टाइप के एनिमल्स के स्टैचू हैं यहाँ पे। और गाइज इस मंदिर की यही खासियत है, मतलब सबसे बड़ी जिसके लिए ये फेमस है, कि यहाँ पे हर एक भगवान की मूर्ति है, मतलब जो हमने किताबों में पढ़े हैं या फिर कभी सुने हैं या जिनका जिक्र तक हमने सुना है वो सारे भगवान A to Z, मतलब कोई भी ऐसा भगवान नहीं होगा जो इस मंदिर में नहीं बना हुआ है। सारे भगवानों की मूर्तियां अंदर बनी हुई हैं और बहुत बहुत प्यारा मंदिर है, मतलब यहाँ का व्यू बहुत ऑसम है। सो गाइज यहाँ से एंट्रांस है और वैसे तो फ़ोन अंदर ले जाना मना है, मतलब कुछ भी फोटो वीडियो नहीं बना सकते हैं, बट हल्का सा मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर आप देख सकते हो कितना प्यारा है, पूरा ताजमहल की तरह है। वैसे मैंने ताजमहल नहीं देखा है बट ताजमहल की तरह लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे पूरे मार्बल का ही काम हुआ है, ऊपर नीचे और बाहर अंदर हर जगह पर मार्बल का काम है और जो भी स्टैचू हैं वो भी मार्बल के बने हुए हैं। तो गाइज अंदर से निकलने के बाद, बाहर से मैं ये दिखा रही हूँ आपको जैसे गुरुद्वारा टाइप लग रहा है ना, बट ये गुरुद्वारा नहीं है, ये हमारा हिंदू टेम्पल ही है। और गाइज एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती, ये जो हमारे 2-3 मंथ्स होते हैं ना गर्मियों के, इसमें हम घूमने जाते हैं मोस्टली। इस मंथ तो मैक्सिमम लोग घूमने जाते हैं बट कभी भी ना दिन के टाइम घूमने नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे, मतलब जो थोड़ी गर्म गर्म जगहें हैं। और कभी ठंडी जगह पे हम जाते हैं जैसे मनाली या फिर शिमला में भी ठंडा ठंडा है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, बट ये जगह सोलन में पड़ती है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब हम फोटोज़ भी नहीं ले पा रहे थे और वीडियो भी मैं ढंग से नहीं बना पाई हूँ। मैंने कुछ क्लिप्स लिए हुए हैं और बहुत जगह मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल से हमने मैनेज किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। फिर हम यहीं पे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाने आए, बट यहाँ पे कुछ ढंग का खाना नहीं था तो हमने आइसक्रीम खाई। और नैनवी तो आइसक्रीम को पूरा एंजॉय करती है और आइसक्रीम को ना ये आइम किम बोलती है। तो फिर उसके बाद हम खाना ढूंढने के लिए निकल गए यहाँ से और नैनवी खुद गाड़ी चला रही है, मतलब ये ना पूरा बिगड़ने वाली है, इसके पापा पूरा बिगाड़ रहे हैं इसको, देखो कैसे चला रही है, हर कहीं को चला रही है फिर भी चलाने दे रहे हैं। दूसरे हाथ से पापा तो एक हाथ से स्टीयरिंग, अच्छा वो चाबी भी। अभी ना हम सोलन आए खाना खाने के लिए, कहीं भी ढंग का खाना नहीं मिल रहा था, तो नैनवी के पापा ने बोला कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, मतलब यहाँ आते रहते हैं ना तो यहाँ पे खाते हैं, फिर बोला कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो अभी स्पेशली यहाँ खाना खाने आए। और अभी नैनवी सो गई है। Thank you.
यहाँ आए हैं। तो गाइज़ हम आए हैं जो सोलन में शिव मंदिर है ना जटोली वाला, वहाँ पे हम आए हैं। तो गाइज़ ये ना मेरा ड्रीम टेम्पल था, मतलब जब मैं ऐसे 7th-8th में पढ़ती थी उस टाइम मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम से ये मेरा ड्रीम टेम्पल था। तो फाइनली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। एंड वन मोर थिंग, ये एशियाज़ लॉन्गेस्ट टेम्पल है, टॉलेस्ट टेम्पल है। मतलब बहुत बड़े बड़े टेम्पल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन टॉलेस्ट यही है पूरे एशिया में, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे हमारे कॉन्टिनेंट में ये वाला टेम्पल सबसे टॉलेस्ट है। तो मेरे को यहाँ आने का सपना बहुत, मतलब बचपन से ही बोल सकते हैं, तो फाइनली आज आकर वो पूरा हुआ, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ पूरा मंदिर। कॉफी पीने के लिए अनिवा बोलती झूलू 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 नहीं यहाँ पे बेटा, कॉफी पियेंगे हम। तो यहाँ पे रुके हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए। और गाइज मैं अंदर से ना आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई, क्योंकि जो भी मंदिर होते हैं मैक्सिमम जगह अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं होता। सो अभी घर पहुँच गए हम ना, और आते से नैनू को नींद लगी थी, पर धूबा को लेके नींद चलेगी, फिर से होने वाली है लड़ाई दोनों की। दोनों की है वन वन फिश। वाह, वन दे दो बुआ को, देख अपनी अपनी लो, जो नीचे गिरी वो है आपकी। निवा हग कर दो, हग कर दो एक दूसरे को, हग कर दो। वेरी गुड। आ बाबी, हाँ अभी नहीं बहन, रात को क्यों पहन रहे हो चप्पू? रख दो, रख दो बुआ, रख दो। अभी ये पहन नहीं लेगी इनको, देखो देखो देखो। नो निवा, नहीं खोलनी अभी, नहीं खोलनी, बाद में खोलना, अभी सोती बार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, पहनना। चलो चलो पहनो। तो नहीं, ये दुबू की, आप ये पहनो। अच्छा गंदी बात कर रहे हो आप भी, क्यों? ये दीदी की है, दीदी मारेगी आपको। दुबू जी मारोगे आप नैनू को? नहीं मारोगे, सच बोल रहे हो? अच्छा तो फिर आ गए हम रिज की ओर, और शिमला आए हूँ और रिज ना घूमे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बट आज संडे है तो मार्केट बंद है, मतलब शॉप्स वगैरह बंद थी मैक्सिमम, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर ना निवा बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे हॉर्स पर बैठना है, तो निवा और उसके पापा बैठे, बट फिर भी ये नहीं मानी, बाद में भी बोलती कि बैठना है बैठना है, तो फिर मैं भी बाद में इसके साथ बैठी थी इसके लिए। वैसे तो ना इनको बैठना था ना मुझे बैठना था, बट इसके लिए हमें बैठना पड़ा। फिर इसके बाद यहाँ पे ना रिज में ही कुछ समर फेस्टिवल टाइप कुछ लगा हुआ था, मतलब यहाँ पे हर एक जगह से ही लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी जगह की चीज़ें बेच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी बड़ी जलेबी है, 100 रुपये की एक जलेबी है, तो हमने ये भी ली थी और बाकी भी काफ़ी सामान हमने लिया था। आबा कर दो, आबा कर दो, वेरी गुड। ये कौन है?